बैक टू माई चैनल। सो आज आई हूँ मैं हजरतगंज और हजरतगंज में देखते हैं क्या क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हजरतगंज। तो बस हम लोग आ चुके हैं हजरतगंज और ये देखिए हजरतगंज मेन मार्केट। और यहाँ पे जितने भी बोर्ड हैं सारे ब्लैक एंड वाइट कलर के हैं, क्योंकि जब मायावती जी थी तो उन्होंने ये रूल बनाया था कि सारे के सारे बोर्ड ब्लैक एंड वाइट होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। और हजरतगंज में जितनी भी दुकानें हैं वहाँ सारे जगह आपको ब्लैक एंड वाइट कलर के ही बोर्ड मिलेंगे। और ये हम लोग मोती महल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ का जो फेमस है मलाई मक्खन वो आपके सामने दिख रहा है आप लोगों को, और साथ ही साथ बन रही है वहाँ पर इमरती। तो लखनऊ के फूड में मोती महल और रॉयल कैफ़े दोनों का ही नाम आता है और दोनों जगह मैं लेके चलूँगी आपको। फिलहाल यहाँ इतने सारे तरीके के हलवे, मतलब मूंग दाल छुहाड़ा हलवा, अंजीर हलवा, बहुत तरह के हलवे बनते हैं मोती महल में, और सारे के सारे हलवे इनके जो है देसी घी में बनते हैं। और ये है यहाँ का फेमस मलाई मक्खन। और शिल्पा सिटी पर भी कुछ दिनों पहले लखनऊ आई थी तो उन्होंने भी यहाँ पर आके मलाई मक्खन खाया था और अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपलोड भी किया है कि लखनऊ नवाबों के शहर में आई और मक्खन मलाई मैंने टेस्ट किया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। ये जो मक्खन मलाई है बिल्कुल मुंह में घुल जाता है और बिल्कुल भी चिपकता नहीं आपके मुंह में, और ये विंटर्स में ही आपको मिलेगा। तो अगर आप लखनऊ में हैं एक बार जरूर आएं मोती महल और यहाँ पे आके आप मक्खन मलाई खाएं, बहुत ही अलग सा इसका टेस्ट होता है और बिल्कुल फोम की तरह ये होता है, मैं इसको बता नहीं सकती हूँ, और बहुत बिल्कुल मुंह में घुल जाता है। तो ये खाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ के जो फेमस है इमरती और रबड़ी, तो यहाँ पे देसी घी में बन रही है गर्मा गर्म इमरती और साथ ही साथ है रबड़ी, दोनों ही बिल्कुल अल्टीमेट है। तो मोती महल अगर आएँ आप तो यहाँ पे मक्खन मलाई का ठंड में आते हैं, और जो इनकी इमरती और रबड़ी है वो हमेशा मिलती है, बारह महीने मिलती है, तो आप ज़रूर टेस्ट करिएगा। और हलवे यहाँ बहुत बेहतरीन मिलते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, बहुत ही वैरायटी मिलेगी आपके हलवों की। और यहाँ पर आनंद जी जो है इमरती खा रहे हैं। बस हम लोग मोती महल से आगे आ चुके हैं, ये आपको मीना बाजार मिल रहा है, दिख रहा है, और सामने ही यहाँ पे अंगूठियाँ मिल रही हैं जो सस्ती नकली अंगूठियाँ होती हैं, जो बॉम्बे में आपको 50 रुपये में एक मिलेगी वो यहाँ पे 100 में एक मिलती है। बट हाँ, कहते हैं कि बॉम्बे से लाने का खर्चा भी हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ से मैंने भी एक अंगूठी ली है। मुझे यहाँ मैं जब भी आती हूँ रिंग्स वाले आपको ज़रूर दिखेंगे और आप रिंग ज़रूर खरीदें, क्योंकि जो इनके रिंग्स होती हैं वो बहुत दिनों तक चलती हैं, अगर घूमे ना तो ख़राब नहीं होती हैं। बस आपको देखना है कि आपको कौन सी अंगूठी खरीदनी है, कुछ ऐसी होती हैं कि वो समझ में आता है कि ख़राब हो जाएंगी। सो मैं यहाँ पे अंगूठी देख रही हूँ और ये सारी अंगूठियाँ 100 में आप कोई भी एक ले सकते हैं, और जो छोटा वाला बॉक्स आप देख रहे हैं उसमें 50 रुपीज़ ईच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि सारी की सारी रिंग्स मुझे अच्छी लग रही हैं, लूँगी बस एक मैं। सो यहाँ पे बस मैं वही सोच रही हूँ, और रेट भी सबके एक है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो भी इंसान डिसाइड कर लेता है। तो बस मैं यहाँ पे रिंग देख रही हूँ, और फिलहाल ये जो है मिस्टी के मोमोज लेके आए हैं, तो यहाँ पे मिस्टी के मोमोज भी मुझे बहुत पसंद है। छोटी सी दुकान है, कभी आप आए तो ट्राई करिएगा, इनके मोमोज भी बहुत टेस्टी होते हैं, मैं दिखाऊंगी, ऐसी नॉर्मल सी दुकान है। और ये रिंग भी मुझे अच्छी लग रही है जो इस तरीके की है, और इन दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न है, बिल्कुल एक साइज़ की हैं दोनों, कि मैं कौन सी लूँ, क्योंकि होता है ना कि सारी एक जैसी हैं और एक आपको लेनी है, और मैं जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर मैं इनको बुला के लाई हूँ कि मैं कौन सी लूँ, तो उन्होंने बोला है कि पहन के देख लो, जो तुम्हारे हाथ में अच्छी लगे वो ले लो। तो बस मैं इनको ट्राई कर रही हूँ रिंग, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तबीयत नहीं सही है, इसलिए मैं वीडियो भी थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड, और इस आवाज़ के साथ बर्दाश्त करिए, एक दो दिन में जो वीडियोस आएंगे उसमें आवाज़ आपको ठीक मिलेगी मेरी। और ये देखिए दोनों अंगूठियाँ मैंने पहन ली, और इन दोनों में मैं कन्फ्यूज़ हूँ कौन सी लूँ, और हस्बैंड ने बोला ये वाली ले लो, तो मैं इनकी बात मानूंगी और यही वाली लूँगी, क्योंकि जब मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ, और जो ये बोलते हैं मैं वो ले लेती हूँ। और ये देखिए फिर से चश्मे वाले भैया आपके पीछे पड़ेंगे, अगर आप अमीनाबाद जाएंगे और हजरतगंज जाएंगे, भूतनाथ जाएंगे, तो आपके पीछे चश्मे वाले भैया ज़रूर पड़ जाएंगे, वो कोई ना कोई शोरूम लूट के लोग चश्मा बेचने के लिए आ जाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल शोरूम लूटते हैं और आपके पीछे लग जाएंगे, बस लूट के आए हैं आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ लेके आए हैं, तो इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए, डुप्लीकेट ही होते हैं, आपको कितने का चूना लगा लें यही इनका टारगेट होता है, 50 से 100 रुपये के बीच में चश्मे दे देते हैं। खैर अब इन लोगों ने भी अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा लिया है, 50 में नहीं देते हैं, 100 में भी नहीं दे रहे थे, 150-200 में दे देंगे आपको, ठीक रहते हैं बट ब्रांडेड नहीं होते हैं। और यहाँ पे आपको सारे जो है बुक्स मिल जाएंगी, सारी की सारी जो है सेकंड कॉपी मिलेगी, फर्स्ट कॉपी नहीं थी, मुझे तो नहीं लगी कोई फर्स्ट कॉपी, तो आपको बुक्स का अगर शौक है तो आप यहाँ से ले सकते हैं बुक्स। और ये देखिए मिस्टी के मोमोज़ हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं इनके मोमोज़,
और ये देखिए आनंद जी को इन्होंने चश्मा फाइनली लगवा दिया कि बिल्कुल ये अभी अभी रेबैन का शोरूम लूट के आए हैं और ये चश्मा हमारे लिए लेके आए हैं। ऐसे बोलते हैं कि लगता है कि सच में शोरूम लूट के आए हैं ये लोग। तो इन्होंने बोला 50 रुपये दे दो क्योंकि हमें लेना था नहीं, इसलिए हम लोगों ने ऐसे ही कुछ भी रेट बोल दिया। तो फाइनली हम लोगों ने इसको नहीं लिया। और ये देखिए पूरा हजरतगंज अब धीरे धीरे बंद हो रहा है, 8:30 तक हजरतगंज बंद हो जाता है। और ये देखिए मैंने रिंग ले ली है और जो मेरी बेटी उनको जूस पीना है तो हम लोग यहाँ पे एक जूस की दुकान खुली हुई है वहाँ पे हम लोग जूस पी रहे हैं। और ये झालमुड़ी वाले भैया हैं, इनसे भी थोड़ी देर हम लोगों ने बात की थी, ये बिहार के हैं और ये रात के 12-1-2 बजे तक आपको यहाँ मिलेंगे कह रहे थे। हम लोग रहते हैं यहाँ पे और ये जनपद मार्केट है जो कि अब बंद हो चुकी है, इसलिए हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे। अगर जनपद जाना है तो आप लोग बताइएगा, मैं जनपद जाऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में और वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये नील है, इनको जो है कहीं भी जाएंगे तो बच्चे अगर आपके साथ हैं तो उनको खिलौना ज़रूर चाहिए, तो यहाँ पे नील को हम लोगों ने खिलौना दिलाया है, तीर धनुष। और ये देखिए इस तरीके का यहाँ का बोर्ड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और अब हम लोग जाएंगे रॉयल कैफ़े। रॉयल कैफ़े भी खुला होगा क्योंकि थोड़ी देर तक खुला रहता है। तो ये सारे शोरूम्स हैं और हम लोग आ चुके हैं रॉयल कैफ़े। इनकी जो बास्केट चाट है वो लखनऊ के जो अगर आप फेमस फूड डालेंगे तो रॉयल कैफ़े की बास्केट चाट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग रॉयल कैफ़े आ चुके हैं और यहाँ पे भी चीज़ें खाएंगे। और ये देखिए आपके सामने गरम गरम गुलाब जामुन और गाजर का हलवा। सामने आपको हजरतगंज मेट्रो स्टेशन मिलेगा, बिल्कुल रॉयल कैफ़े के सामने है। और ये सारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ आप देख रहे हैं वो सब के सब रॉयल कैफ़े में आके और यहाँ की बास्केट चाट और भी चीज़ें जो है खाई हैं, तो उनके साथ इन लोगों ने फ़ोटो लेके अपना लगा के रखा हुआ है। और एक कोहली, विराट कोहली की दुकान कोहली ब्रदर्स की दुकान है, विराट कोहली की नहीं। और ये हजरतगंज मेट्रो, और ये देखिए सारी की सारी जो दुकानें हैं बंद हो चुकी हैं बट अभी भी रॉयल कैफ़े खुला हुआ। और ये जो है मेरे पति देव को दही भल्ले बहुत पसंद है रॉयल कैफ़े के, तो ये वही खा रहे हैं। और इनकी जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ही लाजवाब होती हैं दोनों। और ये देखिए ये पालक की पकौड़ी है, पालक के पत्तों को ये लोग बेसन में डिप करके बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। ऑलमोस्ट इनका भी सब कुछ ख़त्म था और दुकान अब बंद हो रही थी, फिर भी जो चीज़ हमें चाहिए थी वो थी। तो यहाँ पे पालक की जो पकौड़ी है वो मुझे टेस्ट करा रहा है। बहुत ही सफाई से यहाँ पे काम होता है, कोई भी मतलब ये लोग हाइजीन का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और ये देखिए मेरी, इसका नाम मैं भूल गई बट ये पालक की पकौड़ी ही है। साथ ही साथ मैंने लिए फालूदा कुल्फ़ी और ये बच्चों की बुक्स ले ली हम लोगों ने वहाँ से, बिल्कुल क्रंची और बहुत टेस्टी बनाते हैं। और इनका भी सारा कुछ देसी घी में बनता है। रॉयल कैफ़े के सामने हजरतगंज में, और जो भी हो सका मैंने आप लोगों को दिखाया क्योंकि बहुत ही रैंडम सा प्लान था हम लोगों का। तो ऑलमोस्ट कोशिश किया मैंने कि मोटा मोटा जो है आप लोगों को बता दूँ, डीप में मैं किसी और वीडियो में बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं रॉयल कैफ़े में हूँ और वो भी बंद होने जा रहा था, तो हम लोगों को जो भी मिला है मैंने दिखाया, फालूदा कुल्फ़ी, दही भल्ले और साथ ही साथ है पालक की पकौड़ी, बहुत टेस्टी है, वही इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। और ये जो रिंग आप लोग देख रहे हैं ये मैंने जो है 100 रुपीज़ में ली है और काफ़ी अच्छी है, बड़ी सी है। बॉम्बे में 50 रुपीज़ की मिल जाती है बट यहाँ पे लखनऊ है तो 100 में मिली है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं खाऊंगी फालूदा कुल्फी। सामने हजरतगंज मेट्रो, पीतल के तवे है ना ये, तांबा है ये पीतल। रोज सफाई करते हैं? हाँ डेली साफ है। तो बस यहाँ पे जो है जो भी खाना था हम लोगों ने खा लिया। और जाते जाते यहाँ की जो कॉफ़ी है वो भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसका नाम है रॉयल कैफ़े और कैफ़े है तो कॉफ़ी ज़रूर पीना चाहिए। और इनकी कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत अच्छे क्वालिटी का ये लोग दूध यूज़ करते हैं। सो ये देखिए इन रॉयल कैफ़े की कॉफ़ी बहुत ही अल्टीमेट कॉफ़ी होती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बास्केट चाट तो इनकी बहुत फेमस है बट मैं कहूँगी इनकी कॉफ़ी भी फेमस होनी चाहिए, बहुत अच्छी कॉफ़ी है रॉयल कैफ़े की।
सो ये है मेरा छोटा सा आज आप लोगों के लिए ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।